वेलकम गाइस अगेन इन अकाउंटिंग गुरुजी मायसेल्फ गौरव भारद्वाज अकाउंटिंग कोच हियर आई एम विद यू ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल्स अकाउंटिंग गाइस मैं 12th का अकाउंट्स पढ़ाता हूं जिसमें आपको मैं सीबीएसई के एक सिलेबस एक बुक कराने जा रहा हूं जिसमें अभी हमने स्टार्ट किया है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर उसकी ये अपनी 11th वीडियो है गाइस इसके न्यूमेरिकल नंबर 3rd जिसे आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के बारे में बताऊंगा और ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपने पास क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट है गिवन बिलो। हमें जो बैलेंस शीट में देखना है वो देखना है लायबिलिटी साइड। देखें आप जनरल रिजर्व रुपीज 51,250। जनरल रिजर्व हैज डिवाइडेड इनटू ओल्ड पार्टनर्स गिवन रेशियो। द गिवन रेशियो इज 3:2 एंड इन द एसेट साइड वी कैन सी द अमाउंट गुडविल गुडविल 50,000 एंड गुडविल अमाउंट भी 50,000 विल डिवाइड इनटू ओल्ड पार्टनर्स बिकॉज न्यू अकाउंटिंग रूल गुडविल विल नॉट शो इन द बुक्स। गुडविल को पुस्तकों में नहीं दिखाना है। इट मीन्स अगर कहीं पर गुडविल आए तो उसे राइट ऑफ कर देते हैं समाप्त कर देते हैं। यहां पर गुडविल एसेट से डेबिट है हम उसको समाप्त करेंगे राइट ऑफ करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे और ये पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर रेशियो 1/4 अपॉन इन द फॉलोइंग टर्म्स फॉलोइंग कंडीशंस ही इज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा जो भी उसकी कैपिटल बैठेगी। गाइस आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनेट का मतलब होगा जो भी उसे रेशियो में उसके निकल कर आएगी। तो यहां हमें एक नई चीज और देखनी है कि गुडविल हमें उसकी कैपिटल निकालनी है मींस कि उसकी कैपिटल कितनी होगी। तो इसको हिडन कैपिटल मेथड भी आप कह सकते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 year एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय द 4 year प्रॉफिट्स रेस्पेक्टिवली गिवन बिलो। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिटर्न ऑफ रिटर्न डाउन एट 1,25,000। ऊपर देख सकते हैं आप प्लांट एंड मशीनरी 150 की है एंड 1,25,000 यानी कि 25,000 डिक्रीज हो रही है। एंड पेटेंट्स रिटर्न ऑफ अप टू 45,000। पेटेंट आप देख सकते हैं ऊपर 25 के हैं ये रिटर्न अप हो रहे हैं यानी कि 20,000 इंक्रीज हो रहे हैं। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज रिक्वायर्ड इट मीन्स एनआरओडी डेटर विल डिक्रीज। ए लाइबिलिटी ऑफ 2,500 included in sundry creditor is not likely to arise it means 2500 of the creditor is not to be paid it means creditor aapke less ho rahe hain liability jab less hoti hai to usko add debit karte hain guys। and finally the new thing in this question sorry a joint life policy for 2,50,000 taken out by a and b on which premium totaling 50,000 have been paid as a surrender value of 30,000। it means इन्होंने एक joint life policy ली हुई थी जिसको life insurance कह सकते हैं आप joint। उसमें आप देख सकते हैं guys इन्होंने एक policy ली थी जिसमें इनका भुगतान जो है वो आपका 2,50,000 finally होना था but ये 2,50,000 ना होकर ये आप देख सकते हैं 30,000 as a surrender value इनको मिलेगा। तो हम receive करेंगे and divide करेंगे। तो गाइस इस तरह का अपना क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जब हम करते हैं गाइस सबको पता है सबसे पहले हम बैलेंसेस रखते हैं। तो आपने क्वेश्चन में देखा ही है इनकी लायबिलिटी में कैपिटल दी हुई है। यहां पर खन्ना सेठ और सी आ रहे हैं तो इट मींस ये तो हुआ खन्ना आपका खन्ना और ये सेठ और ये सी। तो लाइक खन्ना सेठ और ये सी। तो खन्ना और सेठ की ओल्ड कैपिटल आपको गिवन है। कैपिटल ऑलवेज इन द क्रेडिट साइड दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 1,50,000 एंड गाइस 1,00,000 एंड कैश बैलेंस आल्सो गिवन 5,000 रुपीज ऑलवेज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रुपीज 5,000 एंड नाउ वी हैव टू गो इन विद द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व रुपीज 51,250 दैट अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इनटू द पार्टनर as given below ratio. The ratio as given below Khanna said is goes to 3/5 total general reserve has 51,000
लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जर्नलिज्म के हाउ टू डिवाइड, जर्नलिज्म इज लाइकली एंड क्रेडिट वुड बी इन द डेबिट, तो जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स के टू में गए बाय जर्नलिज्म। जिस बच्चे को एंट्री नहीं आती वो डायरेक्ट भी समझ सकता है, जो भी पार्टनर्स को मिलता है वो उनकी क्रेडिट साइड में जाता है, जो हम पार्टनर से लेते हैं वो उसके डेबिट साइड में जाता है। तो रिजर्व उनको मिल रहा है 51,250 का, डिवाइड कर लीजिए 5 से, 5 1 5 5 2 10 5 5 10, सो आ जाएगा ये 30,750, 20,500। ओके गाइस, नाउ गुडविल इन द बैलेंस शीट इन एसेट साइड 50,000 वुड बी राइट ऑफ ऑन डिवाइड इनटू ऑल पार्टनर्स। तो गुडविल यहां पर क्रेडिट है लेकिन हम उसको डेबिट कर देंगे, सॉरी डेबिट है हम तो क्रेडिट कर देंगे, तो गुडविल तो आएगी 2 गुडविल और पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट विद गिवन रेशियो लाइक 3:2। तो इसको कहते हैं राइट गुडविल को राइट ऑफ करना। टोटल गुडविल है 50,000 की, आप इस रेशियो में डिवाइड करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करें 10,000 मल्टीप्लाई 30,000 एंड 20,000 पोस्ट करें पार्टनर्स डेबिट में जाकर 2 गुडविल 30,000 and 20,000. C is a new partner and no one amount will be given to him. And the finally C is admitted now and he contribute a capital proportionate ratio. तो यहाँ पे हम capital निकालेंगे guys. अब देखिएगा, this is a hidden capital method. How to calculate? Let's see. Firstly, question में कहा गया है goodwill निकालनी है for by using 4 years of the profit. So what is the formula of goodwill? Total of the profit, number of the profit into rate of purchase the total of the profit, profit rupees 50,000, 45,000, 40,000, 65,000 respectively, divide by 4 because 4 years ka profit hai, divide by 4, multiply by 2 has given in the book 2 years of purchase and amount 6129, it means 2 lakh I think, show okay, 2 lakh divide by 4 multiply by 2, 1 lakh is a goodwill, but it is a total goodwill of firm, but we have to calculate the new partner shares of goodwill, a new partner sees, so sees goodwill 1 lakh and his ratio 1/4, that amount 25,000, it means C has to pay 25,000 for the goodwill, but in this question we don't have any idea how amount to be paid by the C. So now we have to make an entry adjustment of goodwill. When a partner is not paying a goodwill in cash, so partner would be debit, a new partner would be debit because हमें उससे के goodwill लेनी है to A's and B's, यानी कि इसे हम बोलते हैं new to old, क्या बोलते हैं new to old, new partner को debit, old partner credit, कब जब goodwill कहाँ हो calculate करने के लिए और partners goodwill ना है। इन एडिशन गाइस टू टाइप ऑफ मेथड चलते हैं, एक में जब गुडविल हम लाते हैं, एक में गुडविल नहीं लाते तो ये मेथड पैटर्न चलता है। दैट अमाउंट 25,000, रेशियो आपके सामने था 3:5, 2:5, डिवाइड करें 5 से 5000, 5 3 15 एंड 5 2 10, तो इसकी पोस्टिंग करेंगे, इसकी पोस्टिंग देखिए आप सी के डेबिट में जाकर 2A टू बी, 2A's टू B's, लेकिन देख किसको रहे सी को, तो अमाउंट सी में जाएगी 15, 10, ओके गाइस, एंड ए बी के क्रेडिट में जाकर बाय सीज 15, 10, ओके गाइस, तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट था, आप देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें बिकॉज आई डोंट हैव एनी एरिया टू शो यू द नेक्स्ट स्टेप, सो मैं इसको इरेज करना पड़ेगा। फाइनली इसमें कहा गया है गाइस प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिटर्न डाउन एज 1,25,000, ऊपर दिए हैं 1,50,000, तो 25,000 डिक्रीज हो रहे हैं। प्लांट जब डिक्रीज होता है तो वो डेबिट है, उसको क्रेडिट करेंगे,
इट मीन इधर जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट रुपीज 25,000। ओके गाइस, फर्नीचर कुछ नहीं है, पेटेंट्स 45,000 यानी कि 20,000 इंक्रीज हो रहे हैं, तो बाय में जाएंगे बिकॉज पेटेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के टू में गए बाय पेटेंट्स 20,000, डेटर 5% डेटर, डेटर लेस हो रही है तो डेटर क्रेडिट, रिवैल्यूएशन टू डेटर्स एट द रेट 5%, डेटर्स अमाउंट 75,000 एंड 5% इज 3750। ओके गाइस, 2500 क्रेडिटर नॉट टू बी पेड, क्रेडिटर घट रहे हैं मींस डेबिट हो जाएंगे, तो क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन बाय क्रेडिटर यहां पे जाएंगे 2500। ओके गाइस, और कुछ मुझे लगता नहीं है। हाँ, एक चीज और है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमने कराई थी 2,50,000 की, बट उसकी सरेंडर वैल्यू, सरेंडर मतलब जब हम पॉलिसी को बीच में ही बंद कर देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा ना देकर एक अमाउंट देती है जिसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं, और इस सरेंडर वैल्यू को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिकॉज इट बिलोंग फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा रुपीज 30,000। तो जैसे जनरल लेजर हमने डिवाइड किया था, जनरल लेजर डेबिट टू पार्टनर्स, ऐसे यहाँ पर पार्टनर्स में डिवाइड होगा बट पहले पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर सरेंडर वैल्यू 30,000 है, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ये नगद भी मिलेगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। और गाइस यहाँ पर हम सो जनरल लेजर, ओके, सो यहाँ पर 30,000 हम रिसीव करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। ओके गाइस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट के डेबिट में गए टू ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 30,000, और ये पार्टनर्स में टू में जाएगी बाय ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि कैश टू जेएलआईपी और जेएलआईपी टू पार्टनर्स, तो पार्टनर के टू में जाके बाय जेएलआईपी 30 को बांटेंगे 20 और 10। आई एम राइट और नॉट? नो 5 6 18 और 12 नाउ इज करेक्ट नाउ। सो गाइस ये था, अब हम निकालेंगे कैपिटल, बट उससे पहले देखते हैं एसेट्स की क्या कंडीशंस है। लाइक बैलेंस शीट में पहले प्लांट ओल्ड था 1,50,000, डिक्रीज हुआ 25,000 एंड न्यू अमाउंट इज 1,25,000, पेटेंट्स 25,000, इंक्रीज रुपीज 20,000 एंड न्यू अमाउंट इज 45,000, क्रेडिटर व्हाट अमाउंट ऑफ क्रेडिटर गाइस 75,000 माइनस नॉट पेड 2,500 दैट्स 72,500 एंड डेटर्स 75,000 माइनस एनआरओडी 37,500 71,250। सो गाइस ये भी हो गया, गुडविल राइट ऑफ हो गई है, कैश का बैलेंस निकालेंगे। एक एसेट्स और है प्री स्टॉक नो चेंज, तो जितने की है उतने की दिखा दीजिए। फर्नीचर नो चेंज, तो जितने की है उतने का दिखा दीजिए। 5,000। ओके गाइस, तो और कुछ नहीं है। लायबिलिटी में पड़ा है एक बीपी, इसको मैं रेज कर देता हूँ। बीपी अकाउंट, सो बीपी है 13,750। बस गाइस जनरल डिवाइड हो गया है, कैपिटल आएगी। अब हम निकालेंगे न्यू पार्टनर्स क्या रहे, एक सेकंड अब रुकिए। सो न्यू पार्टनर कितने कैपिटल आ रहे, इसको आपने नोट किया है तो ओके, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर देता हूं। गाइस यहां पे हम निकालेंगे न्यू कैपिटल, हाउ टू कैपिटल न्यू, तो मेथड का नाम है जिसको हम कह सकते हैं हिडन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, या इसको कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैसे निकालेंगे आप देखिए, सबसे पहले आप इसको इरेज कीजिए, इसको सॉरी क्लोज कीजिए। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो इधर आ रहा है 28,750 और यहां पे आ रहा है 22,500।
इसका मतलब है 6250 का प्रॉफिट आ रहा है। तो जो 6250 का प्रॉफिट आ रहा है, इस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे इनटू ए एंड बी, गिवन रेशियो 3:2। 3:2 मींस 3/5, 2/5, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 5, 5 × 5, 10, 5 × 5, 12, 5, तो 12 × 3 = 350। ओके गाइस, आई थिंक आई एम राइट। इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहां जाएगी, यहां पर टू रिवैल्यूएशन 3750-2500। ओके गाइस, अब हम निकालेंगे जो पार्टनर नया आ रहा है वो कितनी कैपिटल आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझे। इन दोनों का जो ओल्ड पार्टनर्स है इनकी टोटल न्यू कैपिटल निकालिए, और इनकी टोटल न्यू कैपिटल निकालिए और गाइस उसे न्यू रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, जो भी डिफरेंस आएगा वो उसकी कैपिटल होगी। ओके गाइस, तो पहले इनकी न्यू कैपिटल देखते हैं दोनों की क्या रहा है। तो हम ध्यान लिख सकते हैं खन्नास न्यू कैपिटल, सेठ्स न्यू कैपिटल, लेट्स चेक आउट 150, 180, 195, 2 लाख 5000, 2 लाख 30,000, तो इसका टोटल आ रहा है 2,13,750। नाउ 750 ये गए, 30,000, 210, 180 आई है इसकी कैपिटल, एंड सेठ की आई है 110, 130, 140, 140, 250, so 140, 250, 120 आया। It means ये total आई आपकी 3 lakh। It is a total capital of, अब यहां देखें आप, listen, total profit let करते हैं, total profit 1, okay? A new partner ratio is given, I think 1/4. तो C's part 1/4, balance part 1 − 1/4 = 3/4। यानी कि पूरे का अगर मानते हैं और नए वाले का 1/4 होता है, तो शेष बचता है 3/4। It means ये 3/4 part की पूंजी है, capital of, इसको लिख सकते हैं आप capital of 3/4 part की capital है। So guys, 3/4 part की capital है, तो 1 part की, 3 part की ये capital है, तो 1 part की कितनी होगी, 3 lakh upon 3 × 4। Okay guys, ये आ गया आपका 4 lakh, और जब ये 4 lakh आ गया तो new partner जो C है, C इस capital कितनी आएगी, 4 lakh and his ratio is 1/4, it means 1 lakh capital वो लेकर आ रहा है। Guys, 1 lakh capital वो लेकर आ रहा है, तो हम 1 lakh capital को रखेंगे, यहाँ पर वो ला रहा है cash account debit to capital by cash 1 lakh, to C's capital 1 lakh, okay guys, अब आप इसे close कर दीजिए, यह आया था 1 lakh 42,500, 1 lakh, ये बैलेंस आ जाएंगे 1 lakh, 1 lakh 20,000, 1 lakh 80,000। ओके गाइस, अब इसको आप चेक कर दीजिए यहां पर बैलेंस शीट में, कैपिटल ए बी एंड सी 1 lakh 80,000, 1 lakh 20,000 और 1 lakh, इट इज 4 lakh, and cash balance is 1,35,000 and the balance 1,35,000 and ये आ जाएगा cash 1,35,000 और ये total हो गया। Okay guys, so guys को total over देते हैं, complete 4,86,250 I think, और ये हो गया 1 lakh, इसको इरेज करते हैं। सो गाइस, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रही थी, बट आप देख सकते हैं 4,86,250 एंड फाइनली 170 एंड 240
240 like 320, 325, 425, 425, 460, 460, or I think one something is left now. Divide into general reserve. What amount should be paid? Creditor decrease, cash decrease. Okay. Now listen. 170, 240, 240, 320, 320, 320, 360, 360, 460, 460, 160, 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
let's check out what amount should be shown. Okay, patents increase ho gaye guys, debtors ho gaye, furniture, stock, goodwill ye bhi gaya. How to calculate 72,000 to 73,13 4 lakh something is left I think. Something is left. So guys, आप देख सकते हैं 1 लाख अगर ये लाता है और इसके डिक्रीज हो गए यहां पर गुडविल के तो 75,000 इस न्यू बैलेंस आई थी. सो ये थोड़ी कमी रही है 3,75,000. तो 461,250 461,250 ये आपका क्वेश्चन था गाइस. थोड़ा टफ था और प्री प्लानिंग के साथ नहीं हो पाया इसलिए थोड़ा सा हो जाता है. बट आप देख सकते हैं इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन. और आपको इस तरह क्वेश्चन और सीखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को बताइए. मैं आपको यहाँ पर 12th का सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ पूरा, तो आप बने रहिए मेरे साथ. और छुट्टियों में स्टडी कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग वीडियो. बाय बाय.